खास सर ने मुझे बहुत जगह पर काम दिलवाया सर, आपका आशीर्वाद हुआ ना, यंग होता रहेगा तो कैसे लोग बड़े होते हैं छोटा। और मनी बैग गारंटी में सर ने परफॉर्म किया था, अभी फिल्म एक और फिल्म अभी चल रहा है, फिर आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका थैंक्स करना चाहूँगा, इसलिए कि सपोर्ट सबका मिला इसकी वजह से इतने शॉर्ट टाइम में हमने ये कर किया और बहुत अच्छे से किया। आपने देखा होगा स्क्रीनिंग में जगह नहीं रहती थी, फुल हाउस रहता था, ये इस बात को दर्शाता है कि हाँ फिल्में कितनी अच्छी आई थी, जिनको देखने के लिए लोग बैठे रहे और निकले नहीं। फिल्में भी आईं, बहुत सारी फिल्में आईं और इंडिया इंडिया के बाहर से भी फिल्में आईं, और ये इवेंट हमने लॉन्च किया जो 8 फरवरी को वेबसाइट, और 8 फरवरी के बाद ये 6 महीने के अंदर फटाफट फटाफट जो हमें करना था वो हम कर गुज़रे। सबके सपोर्ट से ये बहुत अच्छा रहा, और कुछ चीज़ें मिस हुई, जैसे कि मुझे 4 थिएटर चाहिए थे स्क्रीनिंग के लिए, नहीं मिल पाया, और मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं करूं जुहू में ही करूंगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से हमने बुकिंग अपनी रख ली है, डेट फिक्स नहीं है लेकिन हॉल हमारा बुक है। तो बहुत अच्छा लगा और सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है जिस तरह से मिल रहा है, और एक अच्छी चीज़ें आई हैं खुल के, जो लोग शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और डॉक्यूमेंट्री छोटी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि बड़े पर्दे पर चलना उनका उतना सपना था कि कभी चलेगी, लोग सोचे नहीं थे, सरप्राइज़ मिला है लोगों को, और मार्केट में भी चर्चा है और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही जाए, नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छा करूं, और राम भाई और तमाम लोग हैं, अभी नाम लूंगा तो बहुत लोग हैं, सबके सपोर्ट से ही एक्चुअली हुआ है, बहुत अकेले से कुछ होता नहीं है, विदाउट टीम तो कुछ भी नहीं होता है, आप लोग भी और मीडिया को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट। मैं अयूब भाई और छोटे के साथ में जुड़ा हूँ काफ़ी दिनों से, और सोने पे सुहागा हमारे सुनील पाल जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ हर जगह रहते हैं दिलीप सेन और सुनील जी, तो इनको बधाई दूंगा और आगे बढ़े, और संस्था जर्मन में भी कार्यक्रम करने वाली है तो मैं तो इनके साथ जुड़ा हूँ, एक सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। या अपना वो अलग से ले लो जो आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन्स, मैं इतनी खुश हूँ कि यहीं पे स्क्रीनिंग हो रही है, यहीं पे अवार्ड दिया जा रहा है, और ऐसे आई लुक फॉरवर्ड टू सच इवेंट्स, एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो ये होते रहना चाहिए, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इसके बाद भी करते रहेंगे, एंड हम हमेशा हैं अयूब भाई के साथ, तो हमने बहुत पहले फिल्म की थी एंड आज तक रिलेशनशिप है हमारी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर अयूब भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। ज़रूर, मैं पूरी तरह से मतलब आई एम विथ यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द म्यूजिक फेस्ट ऑल्सो, ये तो सरप्राइज है। जर्नलिस्ट एंड जूरी दो बहुत जे जे है और फेस्टिवल ऑफ सीनियर ड्रिंक्स आज फिनाले है, बहुत तारीफ है जूरी की कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में सेलेक्ट की थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल? देखिए पहले हम लोगों को लगा था कि पहला एडिशन है फेस्टिवल का तो शायद उस तरह से एंट्रीज ना आ पाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड 300 फिल्में आई हमारे पास और हमारी जूरी ने सारी फिल्में देखी, और उम्मीद करते हैं कि जो हमने किया है उसमें बेहतरीन सिनेमा दर्शकों के सामने आया, और जिस तरह से अवार्ड दिए गए हैं वो आपके सामने होंगे, तब हमारी तरफ से द बेस्ट सिनेमा को हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की है। सिनेमा सभी अच्छा होता है लेकिन उसमें से
जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं सिनेमेटोग्राफी कंटेंट को लेके, एडिटिंग को लेके, साउंड को लेके, उन सारों को ध्यान में रख के जो बेहतरीन हो सकता था वो हमने सिलेक्ट करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे, आज फिनाले है, दो दिन आपने फिल्में देखी यहाँ पे, वर्ल्ड की कोरियन फिल्म, इंग्लिश फिल्म, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सारी भाषाओं की फिल्में थी, 13 भाषा की फिल्में, 13 फिल्में आई हैं और 700 से ज़्यादा फिल्में आई हैं और आज फिनाले, तो क्या विश करना चाहेंगे अली जी को और सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को? मैं विश करना चाहूँगी कि ऐसे ही आगे और ऐसे ही फिल्म फेस्टिवल्स करते रहें, बिकॉज फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर से फिल्म आती हैं, बहुत सारे जगह से फिल्म आती हैं, हमें उन सब के बारे में पता चलता है कि उनकी टेक्नीशियंस कैसी हैं, उनकी टेक्निकलिटी कैसी है, फिल्म का बनाने का तरीका कैसा है, वो कैसे फिल्म बनाते हैं, किस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड हमें उनका कल्चर जानने को मिलता है और हमें अपना कल्चर दिखाने को मिलता है, सो इट्स वेरी गुड। और ये पूरा मतलब जो लेन देन है फिल्मों के लिए या फिल्मों के तरीकों के लिए, इट्स वेरी गुड और आई विश कि ऐसे ही और फिल्म फेस्टिवल्स होते रहें। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ये पूरे वर्ल्ड को एक जगह पे जमा करते हैं और एक जगह पे हम लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक एंड ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। थैंक यू। पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई और अवार्ड के साथ पहला अवार्ड भी मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके नाम, तो कैसा लग रहा है कि आज आपकी मेहनत रंग ला रही है? फिल्म को जब बाबा धर्मराव आतरम, बहुत रियलिटी की एक फिल्म है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नक्सलवाद एरिया में बहुत काम किया है और उनके ऊपर फिल्म बनाने का ये हमें मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेशली मेरे होनर डायरेक्टर भूषण, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज हमें ये अवार्ड मिला है, सो दिस अवार्ड इज फॉर भूषण बेसिकली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि लिविंग लीजेंड्स पर एक बायोपिक बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक एरिया एक सेंटिमेंट्स को नहीं हर्ट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टारगेटेड लोगों को हर्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद गोइंग इनटू द डीप ऑफ स्क्रिप्ट, ये कहानी तो बेसिकली नीतू मैम की थी कि उनका ही आइडिया था कि ये फिल्म बनानी है, राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट्स, आइडिएशन, एवरीथिंग। तो जब हम स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे थे तो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, कुछ भी ग्लोरीफाई नहीं करना है हमको, जो है रियलिस्टिक वे में दिखाना है। पर मज़े की बात है, अगर आप फिल्म देखोगे तो कहानी ही इतनी मज़ेदार है तो आपको लगेगा कि आपने ये सिनेमा बना दिया है, वो कहानी ही सिनेमा है। हमने कुछ उसमें फिक्शन नहीं डाला है, एक सीन तक हमने फिक्शन नहीं बनाया उसमें, जो एज इट इज़, मतलब मैम का और सर का जो एक कॉन्वर्सेशन था, बस वो एक कॉन्वर्सेशन के बेस के ऊपर हमने पूरी फिल्म लिखी है। बहुत प्राउड फील होता है कि जब आपके अच्छे कामों को सराहना जाता है तो इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ऑनर एंड इट गिव्स मोटिवेशन कि हम और ज़्यादा अच्छा काम करें। There is a lot of film festivals in national international level. We are participating for this film and we are hoping for a good ki alag alag categories mein we got nomination. As I said ki we Birsa got a Munda. good nominations in Birsa Munda International Film Festival which is held in Ooty. After that there is one more international film festival is happening in Calcutta in Bengal. So yeah, there is a lot of things is coming on way or yeah, we are hoping for the best. और मेहनत है सबकी, तो बस जूरी और जितने भी प्रेक्षक हैं हमारे, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उसके ऊपर है। ऑल्सो फिल्म इज़ रिलीज ऑन जियो सिनेमा, अ मस्ट वॉच फिल्म, वी गुड गुड रीच एंड गुड रिव्यूज़ फ्रॉम दी पब्लिक हु वॉच द फिल्म एंड आप ज़रूर देखिएगा फिल्म, यही कहना चाहूँगा।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you.